सुंदर पुरी थी। अयोध्या की तो बात और राम राज्य का, अब राम राज्य की तो क्या बात करें। आपको अभी अभी थोड़े समय पहले की बात, यानी 2000 वर्ष पहले की बात है, उज्जैन में महाराजा के पास महाराजा ने अपने आप को राम राज्य घोषित किया कि मेरा जो राज्य है वो राम राज्य हो, हमारे राज्य में किसी को कष्ट नहीं है। वहां तक तो ठीक, लेकिन महाराजा को कितना अपने आप पर गर्व हुआ कि कवियों को बुलाकर अपनी प्रशंसा करवा दे, ये महाराजा तो ऐसे, ये महाराजा ऐसे, और भोज राजा की बहुत सारी प्रशंसा हुई, और इतनी सारी प्रशंसा हुई कि भोज राजा रोज नए कवि को बुलाते, पुरस्कार देते, पैसे देते, धन लुटाते, और कवि पैसे मिले तो कविता करने लगते। अब पैसे लेकर कविता करते और भोज राजा की प्रशंसा करते, इतनी सारी प्रशंसा हुई, एक बार एक कवि आया, कवि आया और भोज राजा के सामने खड़ा, और भोज राजा की प्रशंसा करने लगा, अरे रे आप कैसे हैं, एक तो राम का राज्य था, एक तो सूर्य का वंश था, और दूसरे भोज हुए हैं, राज के राम के समान, राम के बाद, राम के अलावा अगर कोई दुनिया में नाम लिया जाएगा तो वो भोज का लिया जाएगा, राम के राज्य के समान कोई राज्य नहीं हुआ, ऐसा भोज के समान किसी का राज्य नहीं हुआ, मैं आपको देख के इतना प्रसन्न हूं। और भोज राजा ने कहा मैं चाहता हूं जैसे राम के रामायण का गान होता है वैसे भोज पारायण हो और मेरे नाम का गान होना चाहिए। देखिए अहंकार सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है और धीरे 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 बढ़ता जाता है। और जैसे ही ये बोलने लगा और उसी समय घटना हुई, क्या हुआ, एक काक पक्षी कागड़ो त्याग, और वो काक आया, और काक जैसे ही ये कवि प्रशंसा कर रहा था और जोर से ऐसे बोल रहा था कि एक सूर्य है, एक राम है, और तीसरे आप है, और जैसे वाक्य पूरा करने के लिए जाए उससे पहले तो काक ने विष्ठा की और उस कवि के मुंह में वो विष्ठा गिरी, कवि के मुंह में विष्ठा गिरी, और राजा एकदम कौआ, राजा ने कहा ये कौआ क्या है, क्या समझता है अपने आप को, अरे मेरी जो प्रशंसा कर रहा है, मेरे राज्य का अतिथि है, मेरा मेहमान है, और उसके मुंह में विष्ठा करता है, इसको कुछ पता नहीं है। जल्द से जल्द इस कौए को पकड़ लिया गया, बड़ी चाल लाई, पूरे वृक्ष के ऊपर चाल डाल दी, कौए को पकड़ लिया, पकड़ के रख दिया गया, सुबह उस कौए को एक पिंजरे में डालकर राजा के सामने उपस्थित किया, और राजा ने कहा इस कौवे की गर्दन काट, इसको मार दो, और जैसे ही कहा कि इस कौवे को मार दो वैसे ही कौवे को वाचा हुई और कौवा बोल गया, और कौवे ने कहा राजा तू दुष्ट है, तुम्हें न्याय की कोई कल्पना नहीं है, तुम अपने आप को न्यायप्रिय कहते हो, राम राज्य की बात करते हो, और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, अरे मेरे के ऊपर निर्णय करने से पहले मुझे अपना अधिकार देना चाहिए, मैं अपने बचाव में कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे कहने का मौका मिलना चाहिए, न्यायप्रियता की बात करते हो। और राजा को धक्का लगा, राजा ने कहा बात तो सही, ऐसा नहीं होना चाहिए, और राजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपने बचाव में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, बाद में निर्णय होगा, लेकिन तुमने मेरे साथ दुष्व्यवहार किया है, मेरी सभा में दुर्व्यवहार किया है, मेरे मेहमान के मुंह में तूने विष्ठा करके बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं करूंगा। कौवे ने कहा जिनको अपने खुद पर इतना अभिमान है ऐसा राजा राम के साथ अपना नाम बोलता है, तू राम को क्या जानता है, राम क्या है, अरे राम के चरण के रज के एक कण के बराबर तुम्हारा राज्य नहीं है, और तुम राम राज्य की बात करते हो, तुम्हारा राज्य राम राज्य नहीं हो सकता, और राम के साथ तुलना करने के लिए बैठे हो, अरे राम के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों ने की थी, तुम्हारी अपनी औकात नहीं है। कौवा इतने जोर से बोलता था राजा को धक्का तो लगा लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। राजा ने कहा क्या बात करते हो, ऐसा क्या था राम राज्य में और जो मेरे राज्य में नहीं है। कौवे ने कहा बात छोड़ दो, मैं तुम्हें राम राज्य की झलक दिखा सकता हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राम राज्य अभी के अभी दिखा सकता हूं। अब राजा को आनंद आया, राजा ने कहा ठीक बात है, सही बात है, अगर न्याय करना है तो मेरी इच्छा है कि राम राज्य की झलक देखी जाए, चलो मैं राम राज्य देखने के लिए तैयार हूं, कैसे दिखा। राजा ने एक सोने का पिंजरा बनवाया और कौवे को सोने के पिंजरे में बिठाया, और सोने के पिंजरे में बिठाकर
मतलब चार आपके मंत्री हो, संत्री हो, तंत्री हो, लेकिन चार भी लोग आपके साथ ले लो और मेरे साथ चलो। अपने विश्वासु चार मंत्रियों को साथ में लिया और राजा पांचवा और कौवे का पिंजरा हाथ में लेकर चल गए। अयोध्या के पास जाके रथ रुका। कौवे ने कहा इस जंगल की और इस रथ को ले, जंगल में ले। बोले अभी तो ये जो पुरानी अयोध्या थी ये नहीं है, लेकिन मैं जहां ले जा रहा हूं वहां जा। एक चौराहा कहा अब रथ को यहां खड़ा कर, आप पांचों मेरे साथ उतर जाओ और पूर्व दिशा में चलो। पूर्व दिशा में चलने लगे। चलते चलते एक गुफा, बोले इस गुफा का द्वार खोलो। द्वार खोला, राजा ने राजा से कहा आप आगे हो जाओ। राजा आगे हो, राजा ने वो कौवे का पिंजरा राजा ने खुद अपने हाथ में ले लिया और मंत्री पीछे आ रहे हैं। राजा आगे जा रहे हैं, गुफा में प्रवेश किया। चलते चलते आगे गए, एक सुंदर प्रकाश दिखाई दिया, बहुत बड़ा उजाला था, प्रकाश था। प्रकाश देख और प्रकाश देख कर राजा ने कहा अरे इतना सुंदर प्रकाश क्या है वहां पर। कौवे का चलो तो सही गए वहां, एक बहुत बड़ा इतना थाल पड़ा, सुवर्ण का थाल और उसके अंदर सारे रत्न थे, सभी प्रकार के जितने महंगे रत्न हैं, करोड़ों का एक रत्न हो ऐसे रत्न का पूरा थाल। अरे ये क्या, ये तो पूरे सच्चे रत्न है, इसमें से प्रकाश आ रहा है। कौवे ने कहा यही इस थाल को आप हाथ में ले। मंत्रियों से कहा यह थाल उठाओ, मंत्रियों ने थाल उठा ली। राजा आगे चले पिंजरा लेके और मंत्री चारों थाल लेकर पीछे आ रहे। ये पूरा थाल रत्न का भरा हुआ मंत्री लेकर आ रहे हैं, राजा आगे हैं, कौवा आगे है, बाहर आए रथ में बैठे। बोले अब रथ को ले, ले आए राज्य में आए। अब कौवे ने कहा इस थाल को बीच में रखो। अब कौवे ने कथा सुनी और कौवे ने कहा राम जी के राज्य में अयोध्या में एक बार ऐसा हुआ कि उनके नगर सेठ के यहां संतान नहीं थी। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों से कहा कि हमारे यहां संतान नहीं है तो हमको पुत्र हो, इसलिए क्या उपाय करना चाहिए। तो ज्योतिषियों ने एक मत से उनसे कहा कि आप इस प्रकार का व्रत करिए और व्रत जब पूरा हो तब भगवान नारायण के ही साक्षात अवतार राम जी है, सीता सहित राम जी को अपने घर भोजन के लिए बुलाइए, तब आपके व्रत का उद्यापन होगा और आपके यहां संतान। व्रत किया, संतान भी हुई और संतान होने के बाद में जब अभिलाषा पूर्ण हो गई तो वो नगर से राम जी के यहां गए। राम जी से प्रार्थना की मुझे ये ज्योतिषियों ने बताया था, मैंने व्रत किया, मेरे यहां संतान हुई है, अब मैं प्रार्थना करता हूं सीता सहित आप मेरे यहां भोजन करने के लिए पधारें। और भगवान राम सीता जी को साथ में लेकर नगर सेठ के यहां भोजन के लिए आए। परमात्मा ने नगर सेठ के यहां भोजन किया, बहुत सुंदर व्यंजन बनाए थे, भगवान ने भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान जैसे ही वहां से उठने लगे और वो जो नगर सेठ था उन्होंने रत्न से भरा हुआ थाल लेकर आए और भगवान के सामने रख दिया, ये यहां पर आपको मैं भेंट कर रहा था। भगवान ने कहा यहां तो मैं कुछ ले नहीं सकता, राज दरबार में ले। वो राज दरबार में लेके गया और सभी सभा के बीच में जाके उसने ये थाल रखा और कहा ये रत्नों की भेंट मैं आपको अर्पण करता हूं। राम जी ने कहा आप लाए इसलिए आपका धन्यवाद और ये पूरी सभा के बीच में लाए इसलिए सबसे अच्छा धन्यवाद, लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरा खजाना इतना भरा हुआ है कि उसमें तनिक भी जगह नहीं है, इसलिए मैं आप क्या करता हूं ये ले जाकर जो अयोध्या के गरीब है उसमें बांट। वो थाल लेकर नगर से गए, दो दिन तक अयोध्या में घूमे लेकिन कोई रत्न लेने वाला नहीं था, एक भी इंसान ने रत्न लेने से मना कर। अब कोई रत्न ले नहीं रहा, वो वापस आया और कहा अयोध्या में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। राम जी ने कहा अरे रे आज मुझे पता चला, मुझे तो संतोष हुआ कि मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं है और कोई दूसरे की चीज लेने के लिए तैयार नहीं। इसका नाम ही तो राम राज्य है। कल या परसों ही वर्णन किया था काम पुरुषपति द्रष्टुम अशक्यम अयोध्या न विद्वान रचना स्थिति का, अयोध्या में कोई दूसरे का धन लेने के लिए तैयार नहीं। मेरा है, मेरे पुरुषार्थ से पैदा किया है या मेरे भाग्य का है तो भी मैं लूंगा, दूसरे का है तो मुझे नहीं चाहिए। राम जी ने कहा चलो इस बार परीक्षा होगी, अयोध्या में कोई गरीब नहीं, अयोध्या में कोई भिखारी नहीं है, अयोध्या में कोई लालचू नहीं है, अयोध्या में कोई दूसरे के घर पर नजर रखने वाला नहीं है। चलो इतना तो आनंद हुआ, एक काम करो इस थाल
अब राजा ने कहा आप जो बता रहे हैं ये यही थाल तो नहीं? और कौवे ने कहा हाँ यही थाल है महाराज, यही थाल है जो राम राज्य के समय में लाखों वर्ष पूर्व भगवान राम ने अयोध्या के चौराहे पर रखा था, एक रत्न किसी ने नहीं लिया। अब यहां पर जो खड़े हैं आपके चार मंत्री जो थाल लेकर आए हैं उनकी जेबें जांची गई और चारों की जेब में से रत्न निकले और चारों फटकाने लगे। आके महाराज के चरणों में रत्न रखे और कहा महाराज आगे पिंजरा लेकर चल रहे थे और थाल में से इन्होंने अपनी जेब भर ली थी। और ये राम का राज्य है या राम का राज्य है, कौन सा राज्य है, इसी से पता चल जाता है। राम राज्य की बात भी कुछ और थी और इसीलिए कवि ने कहा पुष्पेशु चंपा नगरेशु लंका स्त्रियेशु रंभा पुरुषेशु कृष्ण नदीयेशु गंगा नृप राम चंद्र। राम जैसा कोई राजा नहीं है, नृप राम चंद्र, राम के समान कोई राजा नहीं हुआ। पंडित माधव कवि कालिदास, माधव जैसा कोई पंडित नहीं और कालिदास जैसा कोई कवि नहीं। अब राजा भोज को इतना धक्का लगा, राजा भोज ने कहा अरे रे मैं तो राम का दास होने के भी लायक नहीं हूँ। अरे कालभूषुंडी महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे लगता है आप साधारण कौवा नहीं है, कोई मुनि ही मेरी आंख खोलने के लिए मुझे राम का भजन सिखाने के लिए आए। उन्होंने उस कौवे की पूजा की और कालभूषुंडी उड़ गए। कहने का मतलब यह है कि यह है राम राज्य। अच्छी बात अलग होती है, सच्ची बात अलग होती है। अच्छी बात मन को अच्छी लगती है और सच्ची बात कभी कभी मन को अच्छी भी न लगे, ऐसा भी हो सकता है।